हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान जी के अध्ययन का ये 13वां लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको बोलूं, 12वां लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो 13वां लेक्चर आपको समझ में आने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कारण क्या है, उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया था अरावली के बारे में, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ें हैं, मैप से बहुत सारी चीज़ें अपन ने समझी थी। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को आज अपन ख़त्म कर देंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है राजस्थान जी के या ज्योग्राफी का। सबसे पहली बात यह थी कि ये तो अपन ने देख लिया था अरावली कहां से कहां तक फैली हुई है, क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, टोटल 13 जिले इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अरावली को भी भागों में विभाजित किया गया है। इस भाग को अलग नाम दिया है, जो बीच का भाग है इसको अलग नाम दिया है, और जो नीचे वाला भाग है इसको अलग नाम दिया है। इस प्रकार से अरावली को भी अलग अलग जो है भागों में विभाजित किया हुआ है। तो इन्हीं भागों के बारे में अपन पढ़ेंगे और अलग अलग पीक से, यानी कि अलग अलग चोटियां हैं, ऊंचाइयां हैं उनकी, उनसे प्रश्न बनते हैं, उनको अपन जानेंगे। सबसे पहली बात तो अरावली पर्वतमाला के मुख्यतः अगर देखे जाए तो तीन भाग है। तीन भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग क्या आता है भाई, पहला भाग अपने पास आता है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। यानी कि सीधी सी बात, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर, पूर्व कहाँ होता है, इधर। तो अरावली का ये वाला क्षेत्र ये होता है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। अब यहां आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आ रही है। यहां आपके पास आ रहा है झुंझुनू आ रहा है, सीकर आ रहा है, जयपुर आ रहा है, अलवर आ रहा है, दौसा भी आ रहा है, और इसके साथ साथ नागौर का भी थोड़ा सा एरिया, ये देख सकते हैं आप यहां से, ये भी आ रहा है। तो ये जो वाला पार्ट होता है ये होता है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। तो आपको सीधे सीधे ही ध्यान रखना है, राजस्थान में उत्तर पूर्व में जो जो जिले पड़ते हैं वो जिले डेफिनेटली उत्तर पूर्वी अरावली में आएंगे। आगे अगर हम बात करें, उत्तर पूर्व के बाद बात होती है मध्य के क्षेत्रों की। मध्य में अगर बात की जाए तो मध्य अरावली के अंदर एक राजसमंद की तहसील पड़ती है देवगढ़। वो जो है बिल्कुल एंड हिस्सा है मध्य अरावली का, और शुरुआत होता है ये जो जयपुर का दक्षिणी भाग है वहाँ से। तो राजसमंद की देवगढ़ तहसील से जयपुर के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ जो स्थान है वो होता है मध्य अरावली का, यानी कि ये जो पार्ट है ये मध्य अरावली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नीचे वाले क्षेत्र आते हैं, इसमें उदयपुर आ गया, सिरोही आ गया, डूंगरपुर आ गया, ये सारी चीज़ें जो है दक्षिणी अरावली के क्षेत्र में आती है। अब अलग अलग चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग है, तो यहाँ से डीपली क्वेश्चन बन जाता है। कुछ एक पिक्स की लंबाई होती है और कुछ एक जो है अलग डीपली क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है कि यहाँ पे इस प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात अपन पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। जैसा कि मैंने मैप में आपको बताया, उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश के अंदर अपने पास जो जिले आएंगे वो जिले आएंगे अलवर, जयपुर, दौसा, नागौर, झुंझुनू, सीकर जिलों के पूर्वी भाग आएंगे। अब आप यहाँ पर एक बात ये भी कह सकते हो कि सर दौसा किस प्रकार से इसमें आ रहा है। दोस्तों दौसा आप यहाँ पे देखें, दौसा का पूर्वी भाग आ रहा है, ठीक है ना, छोटा सा एरिया आता है, पूरा दौसा नहीं आता, ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, ध्यान रख लीजिएगा, ऊंचाई मैंने बहुत बार बता दिया मीटर में होगी, तो 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, जिसकी प्रमुख चोटियां जो है ये कई बार एग्जामों में पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। एक है रघुनाथगढ़ शिखर, ये 1055 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, दूसरी ये अरावली के भी किस भाग में है, ठीक है। तो यह है उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर। आगे चलते हैं खो। खो जो होती है ये जयपुर के अंदर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 920 है मीटर में है। भैराज, भैराज अलवर के अंदर है, इसकी ऊंचाई जो है 792 है, 792। तो ये आपको ध्यान रखनी है 792 मीटर। मनोहरपुरा ये भी जयपुर के अंदर ही है और बैराट भी जयपुर के अंदर ही है। तो तीन सबसे ऊंची जो उत्तर पूर्वी अरावली की आती है वो तो जयपुर के अंदर ही आ जाती है, और मनोहरपुरा की जो ऊंचाई है वो है 747 मीटर और 704 मीटर है बैराट की ऊंचाई। बैराट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बना के जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान रख लीजिएगा, दो सबसे बड़े कन्फ्यूजन यहाँ पर आपके साथ होंगे
भैराच और भैराट में, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पास सम्मिलित करने वाला आएगा तो आप वहां गलती कर देंगे। भैराच जो क्षेत्र है, जो ऊंचाई है उस पहाड़ की, वो पड़ता है अलवर जिले के अंदर, और जो भैराट है वो पड़ता है जयपुर जिले के अंदर। ऊंचाई की बात की जाए तो भैराच च जहां पर आ रहा है उसकी ऊंचाई ज्यादा है भैराट से। कई बार आरोही क्रम में अवरोही क्रम में इनके पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए कि भैराज पहले आएगा और भैराट बाद में आएगा। उसके बाद में बात करूं तो सबसे ऊंची की अगर पूछा जाए तो वो ऊंचा आएगा रघुनाथगढ़ शिखर, और आगे में बात करूं कि जयपुर में सबसे ऊंची पूछा जाए तो वो आएगा 920 मीटर खो, इसका नाम है। अलवर में तो बता ही दिया भैराज, और बाकी दो की बात करें तो जयपुर के अंदर ही है, मनोहरपुरा और बैराट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ क्या रहे हैं अपन? उत्तरी पूर्वी अरावली पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं मध्य अरावली। जैसा कि मैंने आपको बताया, जयपुर के पश्चिमी भाग से टच होकर के देवगढ़ तहसील, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ती है, वहां तक ये विस्तार करता है ये क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं मध्य अरावली प्रदेश का विस्तार जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है, और अरावली में सर्वाधिक अंतराल इसी भाग में पाया जाता है। तो सर्वाधिक अंतराल पूछा जाए तो किस भाग में? मध्य अरावली वाले भाग में पाया जाएगा। आगे चलते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, उत्तरी पूर्वी अरावली होगी, उसी प्रकार से दक्षिणी अरावली भी आती है। दक्षिणी अरावली बिल्कुल नीचे वाले दक्षिण के जो जिले हैं उनमें फैली हुई है, जैसा कि हम मान सकते हैं उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, आपका डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो गया, इस प्रकार का क्षेत्र इसका है। हमने अभी देखा था 450 यानी कि 450 वहाँ की औसत क्या थी, ऊंचाई ये किसकी थी? ये थी उत्तर पूर्वी भाग की। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताई थी, जब उदयपुर क्षेत्र में 900 मीटर की ऊंचाई ये अरावली रखती है, और 450 मीटर की ऊंचाई जो है आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रखती है, यानी कि जयपुर अलवर वो वाला एरिया जहाँ पर सीकर भी आ रहा है, झुंझुनू भी आ रहा है, तो इस वजह से ही मानसून जो है इधर से उधर जाता है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई है और उधर नीचाई है, तो मानसून जो है, मानसून की लहरें उधर चली जाती है और वहाँ पर बरसात होती है। अगर जस्ट ये उल्टा होता तो उधर भी मानसून ना जा पाता और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, हो सकता है उधर खेती वगैरह हो ही नहीं पाती। तो ये कारण है कि वहां पर मानसून जाता है, ठीक है? समझ में आएगी बात। अब दक्षिणी अरावली के भी मुख्यतः दो भाग हैं, और इन दो भागों की बात की जाए तो एक तो है बोराट का पठार, एक है आबू पर्वत खंड। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको आने वाली है, एक अपन पढ़ चुके हैं बैराज, एक अपन पढ़ चुके हैं बैराट, एक आ गया अपने पास भोराट। अब ये कन्फ्यूजन ना हो जाए आपका, इसलिए मैं बता दूं, बैराट जो है वो अलवर में है, और बैराट जो है वो जयपुर में है, और बैराट का पठार है ये दक्षिणी जिलों में है। तो अलवर वाला तो बहुत ऊपर चला गया, जयपुर वाला उसके नीचे आया, और उसके बाद बिल्कुल जो है अपन नीचे आ गया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो अरावली पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो है अपना 792, ये है अपना 704, पहले मैं बता चुका हूँ, और नीचे आएंगे तो ये वैराट का पठार आ जाता है, दक्षिण की ओर अपन चल रहे हैं। तो बोराट का जो पठार होता है ये भारत की महान जल विभाजक रेखा है, यह पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थान है। पूर्व दिशा में जितनी भी नदियाँ बहती है उनका उद्गम स्थान इसे माना जाता है, और यही मैं अब जब शुरुआत की थी इस वीडियो लेक्चर की, जब ये अरावली अपन स्टार्ट की थी तो उसमें बताया भी था कि इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर परिवर्तन होती है। अपवन का बहुत बड़ा इफेक्ट अरावली की वजह से पड़ता है, क्योंकि अरावली से कई सारी नदियाँ बहती है, और आपने देखा है यहाँ पर पूर्व में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थान जो है वो बोराट का पठार है, और न केवल ये राजस्थान पर बल्कि इंडिया पर भी इफेक्ट करता है। आबू पर्वतखंड इसका दूसरा पार्ट है, बेसिकली दक्षिण में आबू ही पड़ता है, सिरोही पड़ेगी। तो आबू पर्वतखंड जो है ये अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, श्रेष्ठतम इसलिए कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर खनिज या धात्विक खनिज पाए जाते हैं।
साथ ही इसका संपूर्ण भाग जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है, और जब ग्रेनाइट से कोई भाग बना हुआ है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रेनाइट निकाली जाती है और उससे व्यापार किया जाता है। जैम स्टोर जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेखक माने गए हैं, राजस्थान के इतिहासकार माने गए हैं, उन्होंने कहा था कि गुरु सिकर को संतों का सिकर कहा जाता है। तो यही कारण है जो पूछ लिया जाता है, जेम्स टोड ने गुरु सिकर को क्या कहा था या संतों का सिकर किसे कहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि गुरु सिकर जो है, आप सबको पता होगा, सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, और 1722 इतनी इसकी मीटर में ऊंचाई है। लेकिन होता क्या है, एक मंदिर वहां पे बनाया हुआ है और उनका नाम है दत्तात्रेय ऋषि। इन ऋषि का मंदिर, ये भी पूछ लिया जाता है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो 22 में 5 और जोड़ देंगे तो 1727 मीटर ये हो जाएगी, या 1727 मीटर ये हो जाएगी। तो कई बार जो है ये ऑप्शन में होता है, कई बार ये ऑप्शन में होता है, तो आपको ध्यान रखना है 22 आए या 27 आए, वो मीटर में कभी क्या होता है कि मंदिर की ऊंचाई जोड़ लेते हैं, कभी मंदिर की ऊंचाई में जोड़ के एक्चुअल ऊंचाई जोड़ते हैं, इसीलिए 1722 और 1727 वाला लफड़ा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फिट में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो फिट में इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जस्ट कन्वर्ट करना है इसको 1722 को, ये हो जाएंगे 5650। ये इसको ही कन्वर्ट किया गया है मीटर को फीट में, आप देख सकते हैं, कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, ये देख लीजिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये है 1722, ये मीटर में है और इसको फीट में चेंज कर दिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। अब ये जो सारी चोटी है, सारी पीक है, ये एक पर्वत पर स्थित है, उस पर्वत का नाम है अबूरदा पर्वत। अबूरदा पर्वत का भी प्रश्न एक बार पूछा गया है। माउंट आबू जो है राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल है, और ये राजस्थान का बर्फोयांसक भी कहलाता है। बर्फोयांसक यानी सर्वाधिक बरखा या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो गुरु शिखर है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद का जो चोटी आती है वो आती है शेर, उसका नाम है चोटी शेर, और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। दक्षिणी अरावली की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में कई सारी अन्य चोटियां हैं जो भी काफ़ी ऊंची ऊंची, जैसे कि अचलगढ़ 1380 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, कुंबलगढ़ 1224 मीटर, जरगा 1431 मीटर, ये उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्चम ऊंची चोटी है जरगा। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ें एक बार एग्जाम से पहले तो ज़रूर देखनी ही देखनी है, क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न बने हैं, रिपीट होते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार अगर आप याद कर लोगे तो उसके बाद रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करते रहोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब अरावली के दक्षिणी भाग से संबंधित मुख्यतः तीन पठार है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें से एक की बात तो अपन कर चुके हैं, भोराट के पठार की, एक होता है उड़िया का पठार, एक होता है आबू का पठार। उड़िया और आबू इसलिए पूछे जाते हैं कि ये सबसे नंबर एक का पठार है, सबसे ऊंचाई वाला, और आबू का पठार दूसरे नंबर वाला पठार है ऊंचाई के मामले में। तो सबसे पहले आएगा उड़िया, फिर आएगा आबू। तो आबू पर्वत से ये बिल्कुल सटा हुआ है, गुरु शिखर के ये नीचे है, और ये उपजाऊ पठार है, यहाँ पर उपजाऊ होती है भूमि, उपजाऊ है और खेती वगैरह होती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है, तो ये कोई कम ऊंचाई नहीं है, और ये पहले नंबर पर आता है ऊंचाई के मामले में, लेकिन है पठार ये, ठीक है ना। आबू का पठार जो होता है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इस पर माउंट आबू नगर यानी कि सिरोही बसा हुआ है। सिरोही जो पूरा है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा, अगर शहर के हिसाब से देखा जाए तो लंबा चौड़ा शहर नहीं है, लेकिन लगभग 3 किलोमीटर की रेडियस में पूरा शहर फैला हुआ है, और यहीं से 28 किलोमीटर की दूरी पर माउंट आबू की जो मेन पीक है, जहाँ पर लोग जाते हैं, पर्यटक स्थल बने हुए हैं, वो बना हुआ है। तो एक आता है अपना उड़िया का पठार जो आपको याद रखना है, जो कि पहले नंबर पे आता है, दूसरा आता है आबू का पठार जहाँ पर कि सिरोही पूरा जिला बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, और ये दूसरे नंबर का है और ये पहले नंबर का है। ऊंचाई की बात की जाए तो 1360 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ऊंचाइयों के मामले में ये जो आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, इनको देख देख के इतना कन्फ्यूज नहीं होना है, एक दो बार आप रिविजन करोगे डेफिनेटली याद हो जाएंगे ये। अब आगे आता है अपना भोराट का पठार, जिसके बारे में आप जानते होंगे, उदयपुर में उत्तर पश्चिमी भाग में अगर आप जाएं तो वहाँ पर गोगुंदा और कोमलगढ़ के मध्य जो अरावली की पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र स्थित है, वहीं ये पठार है। अब ऐसे बताने से तो समझ में आ नहीं रहा होगा, तो मैप में मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कौन सी जगह इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ये आपका उदयपुर रहा, ये उदयपुर का उत्तर रहा, ये पश्चिम रहा, तो ये वाला एरिया है जो राजसमंद से टच है, तो यहाँ पर ये पठार जो है पूरा
वो है आपका भोराट का पठार। एक बात ये आती है, भैराट का, भोराट का जो पठार है ये राजसमंद जिले के बिल्कुल टच में है। और आपको और बताऊं मैं कि जो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले के अंदर है और वो भी इसी पठार के क्षेत्र पे है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये है उदयपुर का। ठीक है, प्रश्न में पूछ लिया जाएगा किस क्षेत्र में है। आगे चलते हैं। आगे अपना आता है कि ये जो है राज्य का तीसरा ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और जरगा अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 1431 मीटर। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर उसके बाद आपका आ जाती है जरगा। अगर वैसे भी याद ना हो तो एक आंकड़ा ये लगाना कि लगभग 1700 तो है गुरु शिखर, उसके बाद लगभग 1500 है आपका शेर, उसके बाद 1400 है आपका जो है जरगा, जो कि अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनके नाम अलग अलग हैं और इनसे प्रश्न बन जाते हैं। एक है भाकर, ये पहाड़ी जो है सिरोही के अंदर है, सिरोही के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला के तीव्र ढाल वाला ये उबड़ खाबड़ बाग है। तो एक आती है भाकर, आपको ध्यान रखना है ये पहाड़ी है। पठार, पहाड़ी, चोटी, अलग अलग शब्द होते हैं। एग्जाम में जाकर सबको गड्ढ मड्ढ लस्सी की तरह मत कर देना। पठार अलग चीज होता है जो थोड़ा समतल होता है, वहां पे खेती भी हो सकती है पठार के ऊपर, ठीक है ना। और जो चोटी होती है वो पीक होती है, यानी कि सबसे ऊपर ही ऊपर का स्थान। जैसे अगर ये पर्वत बना हुआ है तो ये स्थान, अगर इसके ऊपर भी किसी ने मंदिर बना दिया तो ये वाला स्थान जो जो सबसे ऊपर ही ऊपर है, तो चोटी उसे कहते हैं। चोटी का मतलब सबसे ऊंचाई वाली डिस्टेंस। और जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी होता है स्लोप वाला भाग, जैसे ये वाला भाग है, तो ये पूरा जो है ये पूरी पहाड़ी मानी जाएगी, ठीक है ना। ये अंतर होता है। आगे हम बात करें अचलगढ़। अचलगढ़ ये भी सिरोही के अंदर ही है और ये चौथी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। समझ में आ रही बात? गुरु शिखर, शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। आगे चलते हैं। गिरवा, पहले बात हो चुकी इसकी। तो गिरवा जो है तस्त्रीनुमा आकृति का क्षेत्र है, इसीलिए पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। और गिरवा जो है ना तस्त्री को ही कहते हैं स्थानीय भाषा में, लोकल जो उदयपुर की लोकल लैंग्वेज में गिरवा जो है तस्त्री को कहा जाता है। नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ, बहुत डिटेल में इसके बारे में सेकंड लास्ट लेक्चर में बता दिया था, सिवना बाड़मेर में है ये। आगे चलते हैं। 56 की पहाड़ियाँ सिवना बाड़मेर में है और छप्पनिया जो है, छप्पनिया मैदान, ये आपके दक्षिण में ही है, ठीक है ना। हर्ष एवं मालखेत की पहाड़ियां ये सीकर में है, सीकर में एक हर्ष पर्वत है और मालखेत की पहाड़ी है, हर्षनाथ मंदिर भी वहीं है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं, हर्षनाथ की पहाड़ियां ये सीकर में नहीं, ये अलवर में चली जाती है। सुंदा माता पर्वत, ये सुंदा माता पर्वत जालौर में है और प्रथम रोप वे, लो चलो एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ, प्रथम रोप वे यहीं लगाया गया। रोप वे कुछ नहीं होता है, लोग कहते हैं कि सर ये इसका एक्चुअल नाम रोक वे होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बनाया जाता है रस्सी के माध्यम से। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोक वे नहीं होता, रोप वे होता है। रोप वे का मतलब ये होता है, रोप को बोलते हैं अपन रस्सी, रस्सी का अंग्रेजी में रोप ही नाम होता है, ठीक है ना। तो रस्सियों के माध्यम से बनाया जाता है वो है रोप वे। दूसरा रोप वे जो है वो उदयपुर के अंदर है करणी माता मंदिर में। और उदयपुर में जो करणी माता मंदिर है उसको देशनोक से मत जोड़ देना, वो देशनोक वाला जो करणी माता मंदिर है वो आपके बीकानेर जिले में पड़ता है और वहाँ पर चूहे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वो तो अगर पहाड़ी पर भी नहीं हो तो समतल जगह पर है। यहाँ पर जो पिछोला झील है उससे अगर आप पश्चिम की दिशा में जाएं तो उधर की साइड में ये आता है आपका उदयपुर वाला करणी माता का मंदिर। सेम सामान्य मंदिर है, बस वहाँ पर रोप वे लगाया गया है। टोटल 3 रोप वे राजस्थान के अंदर है। पहला सुंदो माता मंदिर कहाँ पे था? भीलमाल जालौर में। सारी चीज़ें आपको ऐसे याद होनी चाहिए ताकि कनेक्ट हो जाए सारी चीज़ें। कुंभलगढ़ की पहाड़ी ये राजसमंद में है और चिड़िया टूप की पहाड़ी ये जोधपुर में है, जो रेयरली कभी कभी पूछ ली जाती है। तो एक बात और बता दीजिए, चिड़िया टूप की पहाड़ी का अरावली से कोई खास संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये अरावली मध्यवर्ती भाग पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। ज़्यादा कुछ इस टॉपिक में बचा नहीं है, बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी जियोग्राफी और पूरी राजस्थान जी के आपको समझ में आ जाएगी।
फिलहाल के लिए धन्यवाद बने रहिए डीएस गुरु जी के साथ। आजकल स्थिति जो है सामान्य नहीं है, देश पे कई प्रकार के जो है थ्रेट्स हैं, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि ज़्यादातर टीवी या इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। बिजली तो आपको करती ही ये चीज़ें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। जो भी होगा, जैसे भी होगा, जिसी प्रकार का होगा, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अच्छी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ना भी हो तो हमारे पास अच्छी जो है आर्मी है, फोर्स है, वो सब कुछ निपट सकती है। तो अपन को इतना जो है जज्बाती होने का या फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी जगह पे व्हाट्सएप पे कोई चीज़ शेयर करने से बचना चाहिए। देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखना चाहिए, और अपने जो स्वाध्याय है, अपना जो अध्ययन है, उसको डिमोलिश या इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस वजह से। तो आई होप मैं जो कह रहा हूँ आप समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। थैंक यू।